स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये तेजी से फैल रहा है। और कल एक चौंकाने वाली खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ के द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि वो भी आइसोलेशन में है, डॉक्टरों के द्वारा उन्हें कहा गया है। और इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है, उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की है चिराग पासवान ने। आपको बता देते हैं उन्होंने ट्वीट किया है, आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट भी चल रहा होगा। उसमें लिखा है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी प्राप्त हुई, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट उन्होंने किया नीतीश कुमार की तस्वीर लगाते हुए। आपको बता दें साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किया है, आपके स्क्रीन पर वो भी चल रहा होगा। उसमें लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये भी जीतन राम मांझी भी कामना कर रहे हैं और साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अब आपको बता दें बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग रोज जो है बहुत सारा केसेस आ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं कोरोना से। बात करें बिहार की तो बिहार में ये फैलना शुरू हुआ था एनएमसीएच से, जब एनएमसीएच में एक बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ था। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री जब जनता दरबार निकालते थे, जनता दरबार में लोगों से बातचीत करते थे और साथ साथ समाज सुधार अभियान पर भी जाते थे, यात्रा पर भी जाते थे, तब भी कई सवाल उठाए गए थे। तब भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ये अपील की गई थी, हम यूँ कह सकते हैं मांग की थी कि जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को रोक देना चाहिए, क्योंकि लोग यही सवाल कर रहे थे। और मुख्यमंत्री ने जब कैबिनेट की बैठक की थी तब भी कोरोना जांच हो रही थी, तब भी यही पाया गया था कि उनके 22% मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कई मंत्री थे और साथ साथ नीतीश कुमार का भी टेस्ट हुआ था लेकिन वो निगेटिव आया था, लेकिन कल नीतीश कुमार का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। और बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार अभी आइसोलेशन में है, ये भी बात बीच में चली गई थी कि नीतीश कुमार का ठिकाना बदलेगा, वो कहीं और रहेंगे कोरोना के डर से, लेकिन अब पॉजिटिव होने की बात उनके सामने आ गई। अब आपको बता दें जनता दरबार में भी 6 लोग मिले थे कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 6 सासाराम के थे और 3 सासाराम के थे और 3 रोहतास के थे। ये 6 लोग जो थे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार से, जिसके बाद से उन्होंने नीतीश कुमार ने सामने आके ये भी जानकारी दी थी, जो रसोईया होता है खाना बनाते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और तब नीतीश कुमार ने कहा था कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है बैठक में, तो सब ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा, पाबंदी लगी, कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगी हम बता सकते हैं, जैसे कि सिनेमाघर हो गए, स्कूल कॉलेज, इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया, जू बंद कर दिया गया और साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लग गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू पर भी सवाल उठाए गए थे कि नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। और अब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी सभी लोग कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, हम भी ये कामना करते हैं, डीटीवी भारत भी ये कामना करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।